मेरठ के एडीजी प्रशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विदित है कि प्रथम चरण में होने वाले चुनाव में 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिनमें से 7 मेरठ जोन में आते हैं और 8वीं की 3 विधानसभा भी उनके क्षेत्र में है। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में भय मुक्त और अपराध मुक्त वातावरण बनाने के लिए सार्थक प्रयास किए गए हैं, जिसमें काफी लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। क्या कहा मतदान को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कितनी फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है? जैसा कि आप सबको विदित है कि प्रथम चरण के चुनाव में जो 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान होना है, उसमें से 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरठ जोन में है और 8वें के भी 3 विधानसभा हमारे क्षेत्र में आती है। इसके लिए पिछले एक महीने से भयमुक्त और अपराध मुक्त वातावरण बनाने के लिए काफ़ी सार्थक प्रयास किए गए हैं, जिसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अवैध शस्त्र, अवैध शराब इत्यादि की भी रिकवरी हुई है। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, उसके लिए हमारे जो पोलिंग सेंटर हैं वो 6291 सेंटर्स हैं, जहाँ पर मतदान 11 तारीख को होंगे और इसके लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें 5163 उप निरीक्षक, 5084 हेड कांस्टेबल, 25660 कांस्टेबल, 20 अपर पुलिस अधीक्षक, 57 डिप्टी एसपी, 227 निरीक्षक और 174 कंपनी अर्धसैनिक बल और पीएसी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त 39,000 के करीब होमगार्ड भी लगाए गए हैं। जो चुनाव होंगे उस दिन जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से ये सील किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल से जो बॉर्डर है उस पर भी पर्याप्त ड्यूटी लगाई जाएगी। ये बात अलग है कि उत्तरांचल में भी उसी दिन चुनाव है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 का जो ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें इसको पूरी तरीके से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और हिंसा रहित कराए जाने हेतु कटिबद्ध है। अभी 5 बजे जो भी प्रचार प्रसार है वो बंद किया गया है और प्रचार प्रसार के दौरान भी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई और जो भी सूचनाएं कहीं अगर कोई आपस में झगड़े किया है उसको तत्काल अटेंड किया गया। हमारा यह प्रयास है कि ज़ीरो रिस्पांस टाइम में हम लोग चीज़ों को अटेंड करें और जिस तरीके से पूर्व में सभी पर्व त्यौहार या अन्य जो भी चीज़ें हैं यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई है, उसी तरीके से चुनाव भी पूर्णतया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाएगा। कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील चिन्हित? संवेदनशील और अति संवेदनशील की जो बातें हैं वो कुछ वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। कुछ तो ट्रेडिशनली संवेदनशील इलाके हैं, कुछ ऐसे भी संवेदनशीलता बढ़ जाती है कि जहाँ बहुत सारे एक बूथ पर बहुत सारे सेंटर होते हैं, कहीं कहीं कैंडिडेट के कारण भी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और इस संवेदनशीलता को कम करने के लिए ही 171 जोन बनाए गए हैं और 1394 सेक्टर्स बनाए गए हैं। कुछ सुपर जोन भी बनाए गए हैं जहाँ पे बाहर से अधिकारी हमारे मुख्यालय के से पोस्ट किए गए हैं। तो जैसा मैंने पूर्व में बताया कि हमारी व्यवस्था दुरुस्त है और इस संबंध में माननीय चुनाव आयोग के भी जो निर्देश हैं उसका 100% अनुपालन कराया जा रहा है। पर्यवेक्षकगण भी यहाँ पर हैं और इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने स्वयं 2-3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और पुलिस महानिदेशक महोदय ने स्वयं आकर नोएडा में समीक्षा की थी। तो जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी टीम है वो 100% तरीके से चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सक्षम है।
हिंसा के जब तनाव होता है मतदान वाले दिन, क्या मुख्य कारण रहे हैं अब तक आपने पूर्व में देखा हो? जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां ट्रेडिशनली कुछ चीज़ें संवेदनशील रहती हैं, चाहे वो कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है कितना कीनली कॉन्टेस्टेड है, तो पॉलिटिकल पार्टी से भी बात हुई है कि ये लोकतंत्र का पर्व है, शांतिपूर्ण तरीके से उनको पर्याप्त समय दिया गया है, लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किया है, लेकिन कोई हिंसा का रास्ता न अपनाए, क्योंकि इसके अलावा जो सभी संवेदनशील जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कराई जा रही है, और चुनाव आयोग कुछ ऐसी जगह पे भी है जो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग भी कर रहा है ऐसे संवेदनशील बूथों से, ताकि डायरेक्ट सभी की नज़र जो है ऐसे संवेदनशील जगहों पर है, और जो एक तरह से संवेदनशीलता है, एक परसेप्शन है, उसको जितना कम किया जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके। मेरिट जोन के अलावा भी क्या भारतीय फोर्स मंगाई है? जी, मेरिट इतनी फोर्स तो मेरिट जोन में नहीं है, और सभी पूरे उत्तर प्रदेश से फोर्स आई है, प्लस PSC आई है, अर्धसैनिक बल आए हैं, होमगार्ड्स आए हैं, और आप समझ सकते हैं कि इतने भारी संख्या में लोगों को रहने, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके नहाने की व्यवस्था, बहुत सारे लॉजिस्टिक्स इशू हैं जिसको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से प्लानिंग करके इस बार कराया गया है, ताकि जो फोर्स आ रही है उसको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। सर, क्या रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा सर मतदान के दौरान? क्या रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा? क्या किया जाएगा सर, रूट डाइवर्ट किया जाएगा? ये स्कूल तो उस दिन बंद होते ही हैं, शराब की दुकानों पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो नियमानुसार होगा, लेकिन जो हाईवे हैं या ट्रेन रूट्स हैं मुझे नहीं लगता कि उसको कोई रोकने की आवश्यकता है। हाँ नहीं, ये सब चीज़ें एग्जेम्प्टेड हैं, रोजमर्रा ये हॉस्पिटल है, दूध के सप्लाई है, इस इत्यादि ये सभी चीज़ें एग्जेम्प्टेड हैं।